वाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरसा। नमो बुद्धाय। भारत में पाली भाषा का पुनर्जागरण काल किस तरह का था, भारत में किस तरह से पाली भाषा पुनः लौटी है, इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। भगवान बुद्ध के 500 वर्षों परिनिर्वाण के 500 वर्षों के पश्चात धीरे 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 प्रतिक्रांतिवादियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जाने के बाद भारत से धम्म विलुप्त होने लगा था और धीरे धीरे तो यह भारत से लुप्त प्राय ही हो गया था। हिमालय के कुछ गांवों को, कुछ प्रदेशों को छोड़कर लगभग भारत में धम्म था ही नहीं। फिर समय बदला, समय की धुरी है, समय तो बदलता ही है और यह एक जैसा कभी भी बना नहीं रह सकता। पाली के साथ भी यही हुआ, पाली का भी समय बदला। यूरोप के देशों में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाली और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति हलचल आरंभ होने लगी थी, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का प्रधान लक्ष्य था इंडोलॉजी यानी भारत शास्त्र के जितने विषय हैं उन पर अध्ययन करना, अनुसंधान करना तथा इनका प्रकाशन करना। सर विलियम जोन्स की जो अवधारणा थी, उनके जो विचार थे, उससे भारत विद्या को, इंडोलॉजी को बड़ा बल मिला और भारत शास्त्र के बारे में बहुत सारे नए अनुसंधान हुए और वे युगांतरकारी सिद्ध हुए। संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य, इनका यदि पुनर्जागरण काल देखा जाए तो एक जैसा ही है, एक समान है। संस्कृत के भी उन्नति का जो पुनर्जागरण काल था वो भी 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल माना जा सकता है। सर विलियम जोन्स ने ही इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अतः हमें ऐसे भारत शास्त्र के अनुरागी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के पश्चात बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी घटनाएं घटी जिन्होंने पाली साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आज हम आपके समक्ष 10 ऐसी घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं जिन्होंने पाली साहित्य के अभ्युत्थान के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके बढ़ावे में बहुत बड़ा रोल अदा किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए हम इन 10 घटनाओं को क्रमवार संक्षेप में समझे, संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करें। पहली घटना घटती है 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, उसके गुणाक्षरों को स्पष्ट कर लिया जाता है।
जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में धम्म लिपि का स्पष्टता कर ली गई थी। उन्होंने धम्म लिपि को पढ़ लिया था। इसके पहले तो इस जो सम्राट अशोक के शिलालेख थे उनके प्रति विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ थी, विभिन्न प्रकार के मत मतांतर थे, विभिन्न प्रकार की पौराणिक मान्यताएं थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने सारी मान्यताओं को धराशायी कर दिया और धम्म लिपि के गुणाक्षरों को पढ़ लेने के पश्चात जैसे इतिहास ही प्रकट हो गया। इतिहास वह होता है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। पौराणिक घटनाओं को या माइथोलॉजी को इतिहास कदापि नहीं कहा जा सकता। तो 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप पहली बार धम्म लिपि के गुणाक्षरों को, उनके जो अक्षर थे उनको पढ़ लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं, तो इसी वर्ष एक और संयोग हो जाता है कि इंडोलॉजी के एक महान विद्वान हुए हैं जॉर्ज टर्नर। उन्होंने इसी वर्ष महावंश का अनुवाद प्रस्तुत किया। देखिए यह एक बड़ी घटना है कि एक तरफ तो धम्म लिपि पढ़ ली जाती है और दूसरी तरफ महावंश का अनुवाद सामने आता है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई तो महावंश के आधार पर पुरातात्विक सामग्रियों को खोजने का क्रम आरंभ हुआ। निश्चित रूप से जो अंग्रेज विद्वान थे वे भारतीयता के प्रति, भारत शास्त्र के प्रति, भारतीय विद्या के प्रति बहुत ही अभिमानी रहे और उन्होंने इस अनमोल धरोहर की खोज की। तो 1837 की धम्म लिपि के अध्ययन और महावंश के अनुवाद की ये जो घटना थी यह बड़ी ही महत्व की थी, क्योंकि इसी घटना के बाद पुरातत्व, बौद्ध साहित्य और भारतीय इतिहास को सच्चे स्वरूप में प्रकाशित किया जा सका, बताया जा सका, या वह प्रकट सही रूप में प्रकट हो गया, सच्चे स्वरूप में प्रकट हो गया। अब न कोई माइथोलॉजी थी, न किसी प्रकार का कोई पुराणपन थी इसमें थी। तो यह एक महान घटना है जिसने पाली साहित्य के विकास में आधुनिक समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके पश्चात हम देखते हैं एक बड़ी घटना घटी बर्मा के मांडले नगर में, जहाँ पर 1871 में पंचम संगायन यानि पांचवी धम्म संगीति का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर धम्म का बुद्धवान गायन हुआ और 729 पट्टी का ऊपर पूरे के पूरे त्रिपिटक को अंकित करा लिया गया, उसके ऊपर मुद्रण करा दिया गया। आज यह 729 पट्टिका रूपी पृष्ठों की विशालतम पुस्तक मांडले नगर को गौरवान्वित कर रही है। बुद्ध शासन की सेवा में यह 1871 की पंचम संगायन की घटना युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी। इस घटना ने भी आधुनिक काल में पाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का निर्वाह किया। पहली घटना 1837 में हुई थी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा धम्म लिपि को पढ़ लेने की, और इसी साल महावंश का भी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। ये इन दोनों घटनाओं ने पुरातत्व, धम्म साहित्य और इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो 1871 में पंचम संगायन के द्वारा
बुद्ध शासन की मांडले नगर में जो संगीति हुई उस संगीति ने बुद्ध शासन की अनमोल सेवा की। अब एक घटना घटी श्रीलंका में, दो ही साल बाद यानी 1873 में। इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पुरानी है कि किस तरह से अंग्रेज शासकों ने जिस जिस देश में गए उस देश की संस्कृति और उसके इतिहास को, वहाँ के स्थानीय परंपराओं को कुचला। उन्होंने कुछ विद्वानों ने संरक्षण भी किया और कुछ लोगों ने उसका विनाश भी किया। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा श्रीलंका में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाने लगा था और वे वहाँ के मूल धम्म की आलोचना करने में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में एक भिक्षु का उदय होता है, एक महान भिक्षु जिसने पाली साहित्य के, आधुनिक पाली साहित्य के इतिहास में बहुत ही बड़ा काम किया है। उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाना चाहिए। उन भिक्षु का नाम था भिक्षु मोहोटीवत्ते गुणानंद, जिन्हें भिक्षु गुणानंद भी कहा जाता है। 1873 में उन्होंने ईसाई पादरियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ये जो डिबेट्स है ये बहुत समय तक चलती रही और इन डिबेट्स के ऊपर, इन शास्त्रार्थों के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ भी आज उपलब्ध है। तो यह घटना इतिहास में, विशेषतः आधुनिक बौद्ध धम्म के इतिहास में, पाली साहित्य के इतिहास में, आधुनिक पाली साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाने योग्य है कि वहाँ के जब पादरी गुणानंद जी का शास्त्रार्थ में किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे पाए थे, शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तो उन्होंने धम्म को बदनाम करने के लिए, धम्म को नीचा दिखाने के लिए, बुद्ध शिक्षाओं को नीचे के स्तर का दिखाने के लिए बौद्ध साहित्य का, पाली साहित्य का अध्ययन किया। जब वे पाली साहित्य का अध्ययन करने में रत हुए तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पूरा का पूरा बौद्ध साहित्य नैतिक साहित्य है, जीवन जीने की कला है, आगे बढ़ने की कला है। तो जिस भाव से वे आए थे कि बौद्ध धर्म को वे बदनाम कर देंगे, उसको यहाँ से समाप्त कर देंगे, धराशायी कर देंगे, वे स्वयं ही भगवान बुद्ध की इन अनमोल शिक्षाओं से, भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ने के बाद भगवान बुद्ध के ही अनुयायी हो गए थे। इस विजय के पश्चात पूरे श्रीलंका में एक अलग तरह की बयार बहने लगी, एक अलग तरह का वातावरण हो गया। चारों तरफ धम्म की पताकाएं लहरानी शुरू हो गई। धम्म की स्थायी सेवा की दृष्टि से आज भिक्षु गुणानंद जी ने एक निर्णय लिया कि जिस तरह से ईसाई मिशनरी घर घर जाकर साहित्य का प्रचार करती है, पाम्पलेट्स बांटती है, उसी तरह से प्रेसों की स्थापना की जाए और घर घर जाकर पुस्तकों का, साहित्य का, पाम्पलेट्स का वितरण किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस काम के लिए उनके सुयोग्य शिष्य भिक्खु हिक्कडुवा सुमंगल जिन्हें बहुत सहायता की। इस प्रकार गुरु और शिष्य की यह जोड़ी रात दिन
धम्म के विकास में काम करने लगी। भिक्खु मोहट्टीवत्ते गुणानंद जी आचार्य तथा उनके शिष्य भिक्खु हिक्कडुव सुमंगल जी, इन दोनों गुरु शिष्यों ने पाली साहित्य के अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया और इस प्रकाशन के पश्चात उन्होंने एक कदम यह भी उठाया कि पाली भाषा का अध्ययन आवश्यक है। जब तक पाली भाषा का अध्ययन आरंभ नहीं होगा तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं घर घर तक नहीं पहुंच पाएगी। अतः उन्होंने धम्म आधारित पाली आधारित संस्थाओं की, विद्या संस्थाओं की स्थापना की, शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। इस तरह से जब विद्या संस्थान आरंभ हुए तो बड़ी संख्या में वहाँ के धम्मोपासक उपासिकाएं अपने बच्चों को धम्म की पाली की शिक्षा देने लगे, नैतिक शिक्षा देने लगे। तो प्रेसों के द्वारा और इन विद्या संस्थानों के द्वारा श्रीलंका में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया और आज श्रीलंका एक बौद्ध देश के रूप में जाना जाता है। हमें भी इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिए कि भारत में बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस, प्रेसों की स्थापना की जानी चाहिए, हमें प्रकाशन संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए तथा पाली आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना चाहिए। अच्छा, आपको जो भिक्खु गुणानंद और भिक्खु सुमंगल जी के विषय में यह बताना आवश्यक है कि अनागारिक धम्मपाल जी तथा स्टील ऑलकॉट जैसे महान विभूतियों को भी सुमंगल जी गुणानंद जी द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं में ही अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे वहीं से शिक्षित हुए, दीक्षित हुए और आज विश्व की महान विभूतियों के रूप में जाने जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही शिक्षा संस्थान है जो विद्यालंकार परिवेण के रूप में और उसकी जैसी ही संस्थाओं का आरंभिक स्वरूप था। यानी जो विद्यालंकार परिवेण है वे भी इन महान विभूतियों के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, जिनसे कि भारत के आचार्य डीडी कौशाम्बी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन तथा जगदीश काश्यप इत्यादि महान आचार्य पढ़े, श्रीलंका जाकर पढ़े थे। तो विद्यालंकार परिवेण और इस तरह के दो तीन परिवेण है, उन परिवेणों में ही इन महान विभूतियों ने अध्ययन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन शिक्षण संस्थाओं की कितनी बड़ी भूमिका रही, न केवल श्रीलंका में उन महाविभूतियों का तथा उनके द्वारा स्थापित प्रेस और शिक्षण संस्थाओं का प्रभाव रहा, अपितु भारत में भी हमारे जो महान विद्वान हैं वे भी उन्हीं शिक्षण संस्थाओं से शिक्षित दीक्षित हुए तथा भारत में आकर उन्होंने महान कार्य किया। इन्होंने नागरी लिपि में त्रिपिटक साहित्य का लिप्यंतरण किया, यानी ट्रांसलिटरेशन किया, तथा हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करके आरंभ काल में बौद्ध साहित्य की, बुद्धवाणी की, पाली साहित्य की महती सेवा की। अतः यह जो तीसरी घटना है जो कि 1873 में घटी थी, वह इतिहास में विशेषतः आधुनिक पाली साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखती है। इसी तरह से एक और घटना को हम याद करते हैं कि 1881 ईस्वी में टी डब्ल्यू रिज डेविड्स ने लंदन में पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना की।
और इस पाली टेक्स्ट सोसाइटी के द्वारा बहुत सारे त्रिपिटक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, संपादन किया गया वहाँ से, और बहुत सारे अनुवाद भी आए। ये पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना या टी डब्ल्यू रिच डेविड्स का पाली के प्रति, धम्म के प्रति आकर्षण कैसे हुआ, यह भी बड़ा रोचक विषय है कि वे जज थे श्रीलंका में तथा उनके यहाँ एक केस आया था भूमि के विवाद का। उस केस में जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए थे वे किसी और लिपि में होने के कारण नहीं पढ़े जा सक रहे थे। बाद में उन्हें जब पढ़ा गया तो पता चला कि ये सुप्त निकाय की कुछ गाथाएं हैं जो त्रिपिटक के अंतर्गत प्राप्त होती है, और उन गाथाओं को पढ़ने के बाद वे धम्म से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना जीवन पाली साहित्य के विकास के लिए, पाली साहित्य के संवर्धन के लिए ही लगा दिया। पाली टेक्स्ट सोसाइटी के द्वारा जो ग्रंथ पब्लिश किए गए, इन्होंने, इन ग्रंथों ने यूरोपीय देशों में पाली के प्रति, धम्म के प्रति, पाली साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। इन प्रकाशनों को पढ़ने के पश्चात ही पहले पहल यूरोप के विद्वान पाली के ग्रंथों के अध्ययन, अनुसंधान की ओर अग्रसर हुए, इनके अनुवाद की ओर अग्रसर हुए। इस संस्थान की स्थापना का बहुत बड़ा उद्देश्य था, और निश्चित ही वह उद्देश्य इतना महान था कि ये जो घटना है पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना की, यह चौथी बड़ी घटना पाली साहित्य के आधुनिक काल के पुनर्जागरण के पश्चात के पाली साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा इस महान कार्य में उनकी, रिच डेविड्स जी की पत्नी जो पाली के प्रति बड़ा ही प्रेम रखती थी, पाली का उसको, उन्हें बड़ा आकर्षण था, बड़ा ही अभिमान था, वो मिसेस कैरोलिन रिच डेविड्स इस कार्य में सहकारी बनी तथा इस कार्य को आगे बढ़ाया। अतः पाली की सेवा में इस दंपत्ति द्वारा जो कार्य किए गए वे अनुकरणीय है, स्मरणीय है, वंदनीय है, अभिवंदनीय है और अनुमोदनीय है। तो ये चौथी घटना भी बड़े विशेष की रही। अब हम बात करते हैं कि 1891 में ये घटना ये घटी कि भारत में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे देवमित्त अनागारिक धम्मपाल, ये वे ही धम्मपाल जी है, अनागारिक धम्मपाल है, जिन्होंने भंते गुणानंद और भंते सुमंगल का आश्रय प्राप्त किया था, शिक्षा ग्रहण की थी, और उनके साथ गाड़ी में बैठकर गांव-गांव में लाउडस्पीकर के द्वारा धम्म का प्रचार किया करते थे। तब वे अपने मित्र के साथ भारत में आकर भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए, परिभ्रमण के लिए गए। तब वहाँ उन्होंने इन स्थानों की बहुत दुर्दशा देखी। भारत में पुराणपंथी लोगों ने इन स्थानों को या तो परिवर्तित कर दिया था, या अपने मठों में तब्दील कर दिया था, या उनका विनाश कर दिया था। तो भगवान बुद्ध के इन स्थानों को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा उन्होंने इन स्थानों के उत्थान के लिए महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, और
महाबोधि सोसाइटी की स्थापना के साथ भारत में पाली पुनर्जागरण का, धम्म पुनर्जागरण का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, क्योंकि उन्होंने धम्मिक स्थानों, पुरातात्विक सामग्रियों, धम्म साहित्य तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं और सेवाभावी संस्थाओं की नींव रखी, उनका संरक्षण किया, परिवर्धन किया, संवर्धन किया, विकास किया। इस तरह से अनागारिक धम्मपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है धम्म तथा पाली के क्षेत्र में। बुद्ध की शासन के विवर्धन में, प्रवर्धन में इनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इन्होंने न केवल पाली साहित्य का प्रकाशन किया अपितु पत्रिकाओं का भी आरंभ किया। अतः यह बौद्ध जर्नलिज्म, बुद्धिस्ट जर्नलिज्म के रूप में या पाली जर्नलिज्म के आरंभ के रूप में इनके कार्यों को देखा जा सकता है। ये पांच घटनाएं जितने महत्व की है, आगे की पांच घटनाओं का जिक्र भी उतना ही महत्व का है। एक महत्वपूर्ण घटना 1902 में घटी थी। वह घटना ऐसी थी कि आचार्य धम्मानंद कौशाम्बी पाली भाषा के अध्ययन के लिए श्रीलंका गए थे। आचार्य धम्मानंद कौशाम्बी को पाली के अध्ययन के लिए श्रीलंका क्यों जाना पड़ा, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि तब तक वे भारत में सब जगह घूम चुके थे, पूना में, उज्जैन में, बनारस में, बोधगया में, सब जगह जाकर उन्होंने देखा, लेकिन पूरे भारत में पाली के अध्ययन की सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि वे नेपाल भी गए तो नेपाल में भी पाली का अध्ययन नहीं हो रहा था, पाली इस देश से लुप्त हो चुकी थी। तब उन्हें पाली के अध्ययन के लिए 1902 में श्रीलंका जाना पड़ा। वहाँ से अध्ययन करने के पश्चात वे 1907 में भारत में आकर पाली के प्रचार प्रसार, इसके अनुसंधान में लग गए और उन्होंने पाली आधारित संस्थाओं की स्थापना करने में महती भूमिका निभाई। आचार्य डीडी कौशाम्बी जी का अनुसंधान तथा अनुवाद के क्षेत्र में बड़ा ही सम्मानीय स्थान है। उन्होंने बहुत सारे नए मान्यताएं दी, बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे पुरानी मान्यताओं को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। उनकी जो मान्यता है सिद्धार्थ गौतम के ग्रह त्याग से संबंधित, तो रोहिणी नदी के जल विवाद की घटना का जिक्र भी इन्होंने ही किया था, जिसे बाद में बाबा साहब ने अपने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में स्थान दिया। अच्छा, तो जब 1907 में वे लग चुके थे पाली के प्रचार प्रसार के कार्य में, तब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन वाइस चांसलर से मिलकर वहाँ पाली विभाग आरंभ करवाया था। और उनका एक ये काम भी बड़े महत्व का है कि डीडी कौशाम्बी स्वयं विद्वान तो थे, महान विद्वान थे, अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने विद्वानों की पूरी टीम खड़ी की, बहुत सारे विद्वान उन्होंने पैदा किए। इन विद्वानों में बहुत सारे बड़े ही धुरंधर विद्वान हुए और उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनके ये कार्य हम सभी पाली मित्रों के लिए बड़े ही महत्व के हैं और इनके प्रति हम अपने विनम्र अभिवादन प्रकट करते हैं। इसके पश्चात एक घटना, यह कोई एक घटना तो नहीं है, लेकिन इसको एक घटना के रूप में ही हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया।
की पाली के चार विद्वान मणि हुए, चार विद्वान हुए, महान विद्वान हुए, जिन्होंने पाली साहित्य की, धम्म की अपार सेवा की। भारत में आज धम्म का, पाली का, जो पाली भाषा का जो स्वरूप है, उसमें इन चार विद्वानों ने डीडी कौशाम्बी जी के बाद, धर्मानंद कौशाम्बी जी के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन, मंत्री जगदीश काश्यप जी तथा भिक्खु धम्म रक्षित। इन चार विद्वानों ने पाली साहित्य का नागरी लिपि में लिप्यंतरण किया, ट्रांसलिट्रेशन किया तथा हिंदी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया। ये उनका बड़ा ही महत्व का कार्य था। और आज पाली अध्ययन की जितनी सुविधाएं हम देख रहे हैं, वे इन्हीं महान विद्वानों की देन है। अब हम संक्षेप रूप में आपको बताते चले कि 1954 में बर्मा के यंगून नगर में छठे संगायन यानी छठी धम्म संगीति का आयोजन हुआ था। और इस छठे संगायन में, छठी संगीति में, छठ संगायन में जो त्रिपिटक संगायित हुआ, उसका डिजिटल स्वरूप में प्रकाशन किया गया। इगतपुरी के विपस्सना विशोधन विन्यास, विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरे के पूरे त्रिपिटक साहित्य का प्रकाशन किया गया तथा सीडी रोम में इसका विन्यास किया गया। यह आज पूरे विश्व में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर विभिन्न लिपियों में पूरे त्रिपिटक को निःशुल्क रूप में इस VRI की साइट पर जाकर देख सकता है। यह पाली साहित्य की, बुद्ध साहित्य की अनमोल सेवा है और पाली साहित्य की सेवा में यह मील का पत्थर है। अब हम एक ऐसी घटना जो हमारी 10 प्रमुख घटनाओं में नवम स्थान पर आ रही है कालक्रम की दृष्टि से, वे वह घटना छठे संगायन के समाप्त होने के पश्चात ही। 1954 में छठा संगायन हुआ और द्वितीय बुद्ध शासन के अगले ही वर्ष यानी 1956 में घटती है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में नागपुर की पावन दीक्षा भूमि में अपन स्वयं दीक्षा ग्रहण की तथा अपने असंख्य अनुयायियों को भी दीक्षा प्रदान की। पाली साहित्य तथा धम्म के आधुनिक पुनर्जागरण के समय में इस घटना ने युगांतरकारी परिवर्तन किया। यह अत्यंत महत्व की घटना बनी। बाबा साहब स्वयं चाहते थे कि पाली साहित्य का विकास हो, और विकास भी किस तरह से हो कि उनके अनुयायी, बुद्ध उपासक, धम्म प्रेमी पाली भाषा को जन भाषा के रूप में स्वीकार करे, लिंगवा फ्रेंका के रूप में स्वीकार करे। घर घर में पाली की पढ़ाई होना चाहिए, लोग आपस में पाली में ही बातचीत करें, पाली में ही संभाषण करें। इसलिए उन्होंने एक ग्रामर और डिक्शनरी का लेखन भी किया। महाराष्ट्र शासन के द्वारा पब्लिश उनके साहित्य में 16वां खंड इसी आधार पर प्रकाशित किया गया है। और निश्चित रूप से उनके अनुयायियों के द्वारा पाली साहित्य के, धम्म के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। और आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पाली भाषा के विकास के लिए हम कार्य करें। इसके पश्चात एक और घटना विशेष महत्व की आती है, जिसने न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी धम्म तथा पाली के प्रचार में विशेष योगदान किया। वह
वर्ष था 1969 में आचार्य सत्यनारायण गोयनका भारत में आए और भारत में आकर उन्होंने विपस्सना विद्या का जन जन में प्रचार प्रसार किया। जन जन में यह जो है विपस्सना उसको प्रचारित किया उन्होंने तथा अत्यंत व्यवस्थित रूप से इगतपुरी में संस्थान बनाकर और पूरे देश में और पूरे विश्व में विपस्सना के केंद्र स्थापित करके उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया विपस्सना धम्म तथा पाली साहित्य के विकास में। यही सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा स्थापित वीआरआई विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरा का पूरा त्रिपिटक साहित्य प्रकाशित हुआ। अतः विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। इन 10 घटनाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे विद्वानों ने योगदान दिया। हम मानते हैं कि करीब 500 ऐसे विद्वान हैं देश के और विदेश के जिन्होंने पाली के विकास में आधुनिक काल में योगदान किया। सतीश चंद्र विद्याभूषण का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह बनारस के आचार्य जगन्नाथ उपाध्याय, उनके द्वारा किए गए कार्य कैसे भूले जा सकते हैं। नवनालंदा महाविहार की स्थापना करके भिक्षु जगदीश काश्यप ने वहाँ से जो प्रकाशन कार्य किए वे पाली के विकास के लिए बहुत ही महत्व के हैं। इसी तरह पूना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस, नागपुर आदि विश्वविद्यालयों के विभागों के द्वारा, चाहे वो बुद्धिस्ट स्टडीज़ का विभाग हो या पाली विभाग हो, उन्होंने भी प्रकाशन तथा अध्ययन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आइए अब हम पाली के कुछ भारतीय विद्वानों के बारे में, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने पाली के विकास के लिए योगदान दिया है। हम उनसे परिचित हैं। बहुत सारे विद्वानों ने ग्रंथ प्रकाशनों के द्वारा अपना योगदान किया है। कुछ विद्वानों ने पाली के संस्थाओं की स्थापना करके अपना योगदान प्रदान किया है तथा कुछ विद्वानों ने प्रचार प्रसार के द्वारा पाली साहित्य को समृद्ध किया है, उसको प्रसारित किया है, उसको समृद्धित संवर्धित किया है। भारत विद्या के प्रेमी विदेशी विद्वानों ने जो योगदान दिया है वह काबिले तारीफ है। हम कुछ नाम पहले कह आए हैं और कुछ नाम हम लेते हैं, जैसे जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज टर्नर, जिनके बारे में हमने पीछे बताया, हासबुल, बर्नाफ, क्लो, जेम्स एडविस, ओल्डेनबर्ग, चाइल्डर्स, रिच डेविड्स और मिसेज रिच डेविड्स, ट्रेंकनर, न्यूमैन, हार्डी, पूसे, सेनार्ट, विंटरनीड, गाइगर, बोर्ड इत्यादि, ये बहुत सारे विद्वान हुए। श्रीलंका के तो बहुत सारे विद्वानों ने पाली के विकास में योगदान किया। बर्मा के, थाईलैंड के अनेक विद्वान इसमें हमेशा रत रहे, को नाम की गणना करना भी यहाँ मुश्किल है। लेकिन श्रीलंका के जीपी मलालसेकर, कर्न, डॉक्टर सिल्वा, मास्तवीर ज्ञानातिलोक इत्यादि
विद्वानों की साहित्य सेवा, शैक्षणिक सेवा अविस्मरणीय ही रहेगी। भरत सिंह उपाध्याय जी ने 1951 में पाली साहित्य के इतिहास को लिखते हुए एक बड़ा ही सुंदर कोटेशन दिया है, एक बड़ी ही सुंदर बात उन्होंने लिखी है। वे लिखते हैं कि सुत्त पीटक, विनय पीटक, पाली काव्य, व्याकरण, अभिलेख साहित्य, अट्टकथा साहित्य आदि पाली साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर इतनी विवेचनात्मक सामग्री अंग्रेजी और यूरोप की अन्य भाषाओं जैसे फ्रेंच और जर्मन में भरी पड़ी है कि उसके संक्षिप्ततम निर्देश के लिए भी एक महाग्रंथ की आवश्यकता होगी। यह कहना अतिशयोक्ति न जान पड़े इसलिए यहाँ यह बता देना जरूरी है कि गत 70-80 वर्षों में पश्चिमी देशों में भारतीय विद्या संबंधी जो खोज कार्य हुए हैं उनका 3/4 भाग, जितने भी कार्य हुए हैं उनका 3/4 भाग बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति से है। 3/4 भाग सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है जो कि यूरोप में काम हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी में हो या फ्रेंच हो या जर्मन में हो। तो यह पूरे इंडोलॉजी में जितना कार्य हुआ है उसमें ज़्यादातर काम आपको पाली और बौद्ध धर्म से संबंधित ही प्राप्त होगा।